दोस्तों पल्ले के अंदर हाइड्रोलिक पंप लगाने का सिर्फ 2 मिनट का खेल है। सारा जो खेल है इसको समझने का है। जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, काफ़ी आसान तरीके से आप भी इस पंप की फिटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने की है। सेम आपको इस स्टेप को कॉपी करना है। हेलो दोस्तों, मैं जिशांत सेठी एमजेडएस वुडवर्क पर लेकर आया हूँ हाइड्रोलिक पंप को पल्ले के अंदर फिट कैसे किया जाता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये मेरे हाथ में हाइड्रोलिक पंप है और ऊपर ही हमारा पल्ला है, तो इसके अंदर हम इसकी फिटिंग करेंगे काफी आसान तरीके से। इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी को शेयर करूंगा ताकि आपको भी सही तरीका मालूम हो हाइड्रोलिक पंप की फिटिंग कैसे की जाती है। ये वीडियो कुछ ही मिनट की रहेगी, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में काफी आसान तरीके से समझा दूंगा। वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना। कुछ ही मिनटों के अंदर हाइड्रोलिक पंप की फिटिंग करने का तरीका आप भी सीख जाएंगे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। अगर हाइड्रोलिक पंप की फिटिंग समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली कारपेंटर वर्क से जुड़ी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों ये कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें हाइड्रोलिक पंप देखने के लिए मिल जाता है, तो इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर ली थी। तो इस तरह से कुछ ही हमें हाइड्रोलिक पंप मिल जाता है, साथ में कुछ ये दोस्तों अटैचमेंट मिल जाते हैं जिनकी मदद से हम इसकी फिटिंग काफी आसान तरीके से कर पाते हैं। तो ये दो इसमें अटैचमेंट मिल जाते हैं, साथ में इसके स्क्रू भी मिल जाते हैं, तो स्टार वाले स्क्रू भी देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों इसके दो अटैचमेंट को ही लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है और मेन है। ऊपर कौन सा लगाना है और नीचे कौन सा लगाना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, दो स्क्रू को टाइट करने का इसमें ऑप्शन मिलता है, एडजस्टिंग वगैरह का ऑप्शन भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो हमारा बड़ा वाला जो अटैचमेंट है, देखिए ये थोड़ा गोल टाइप का होता है, ये थोड़ा बड़े टाइप का होता है, तो इसका इस बात का आपको ध्यान देना है। इसमें ये बड़ा वाला अटैचमेंट है, ये तो हमारा ऊपर की साइड लगेगा। ये ऊपर वाला बड़ा वाला अटैचमेंट पंप के ऊपर लगना है, और ये गोल वाला जो अटैचमेंट है ये इसके नीचे लगना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो सिर्फ इसी बात का सारा खेल है और इसी को ही समझना सबसे मेन है। तो अब सीधा दोस्तों इसको पल्ले में फिटिंग करते हैं। दोस्तों ये हमारा एरिया लगने वाला है, जैसे कि आप एक पल्ला देख सकते हैं, तो एक पंप हमारा यहाँ पर लग जाएगा और दूसरा पंप हमारा यहाँ पर लग जाएगा। हम डबल पंप लगा देते हैं तो काफी लॉन्ग टाइम तक हमारा पल्ला जो है बिल्कुल अपनी जगह सेट रहता है, प्रॉपर काम करता है। फिलहाल मैं आपको एक पंप की इसमें फिटिंग करके दिखा देता हूँ, और प्रॉपर आपको सिर्फ इस स्टेप को ध्यान से देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये पल्ला हमारा काफी ऊपर उठ रहा है, तो हमें ये कितना बंद करना है, तो उसी के हिसाब से हमें पंप की भी फिटिंग करनी होती है। तो हमें फिलहाल ये इतना इतना बंद करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इतना गैप होना चाहिए ताकि हम इसे हाथ से पकड़कर नीचे को बंद कर दें। तो अब मैं इसके पंप की फिटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों हमें इसमें एक ये सीधी धार की पट्टी ले लेनी है, इसकी धार को चेक कर लेना है, उसके बाद इस पट्टी को, तो ये सीधी धार की पट्टी को ले लेना है, इस तरह से इसके अंदर इसे रख लेना है। तो इसे बिल्कुल पेस्ट में अंदर से बिल्कुल मिलाकर इस पर मार्किंग को उतार लेना है। ये हमारी दोस्तों मार्किंग उतर चुकी है। अब जो इसमें ध्यान रखना है वो इसी बात का रखना है। अब जो भी स्टेप मैं आपको बताऊंगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो हमारी पल्ले की टक्कर है, इसमें हमें 4.25 इंची पर निशान को लगा लेना। तो ये हमने 4.25 इंची की मार्किंग कर ली है। ऊपर वाला अटैचमेंट हमारा ये बड़ा वाला, और नीचे ये राउंड शेप में है, तो इसमें दो अटैचमेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो ऊपर वाले की मैं फिटिंग कर लेता हूँ। ऊपर वाले की फिटिंग कैसे करनी है इस बात का भी खास ध्यान रखना है दोस्तों। अब जो हमने ये मार्किंग उतारी है ना, ये इसका जो ये राउंड शेप है ये कुछ इस तरह से अंदर को करके रखना है, जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं बॉल टाइप का राउंड शेप है, तो इसको अंदर करके रखना है। और ये जो मार्किंग उतारी है इससे 1.5 फुट ये हमारा अंदर होना चाहिए। इसका जो फ्रंट है वो 4.25 इंची पर रखना है, 1.5 फुट अंदर करके इसको यहाँ 4.25 इंची के पेंच से लगा लेना है। दोस्तों एक पेंच हमारा लग चुका है, तो हमने 1.5 फुट ही अंदर करके लगाया है, तो दूसरा पेंच भी लगा लेते हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा पेंच भी लग चुका है, के बाद इसके पंप को मैं फिट कर लेता हूँ। ये जो हमारा राउंड शेप है ये काफी आसानी से फिट हो जाएगा। अब हमें इसके राउंड शेप वाला जो होता है इसकी फिटिंग करनी है, तो इसको भी इस तरह से इसमें फिट कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन होता है, ये भी हमारा फिट हो चुका है। तो इसको बिल्कुल हमें कहाँ रोकना है पल्ले को, अब इसमें इस बात का ध्यान रखना है, तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये लंबा वाला हमारा ऊपर लग चुका है और राउंड वाला नीचे लग चुका है, थोड़ा मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। तो पल्ला नीचे करना, तो ये पल्ला हमें कहाँ रोकना है, जहाँ भी हमें पल्ला रोकना है इतना रोकना है या फिर इससे नीचे लेना है, तो उसी के हिसाब से इसके यहाँ पर हमें फिटिंग करनी है। तो हमें पल्ला इतना रोकना है, तो मैं इसकी यहीं पर मार्किंग ले लेता हूँ। दोस्तों ये जो इसका राउंड वाला अटैचमेंट है ये 1 सूत हमारा अंदर होना चाहिए, ये जो प्लाई का फेस है इससे 1 सूत अंदर होना चाहिए, प्लाई के फेस से 1 सूत अंदर रखना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। उसके बाद इसके अंदर से मार्किंग को उतार लेना है। ये जो हमारी दोस्तों दो मार्किंग आई है, कील से इसमें होल को लेना है ताकि जब हम इसमें पैच टाइट करें तो स्लिप ना हो।
हम इस अटैचमेंट को निकाल लेते हैं, थोड़ा ये काफी अच्छे से फिक्स हो जाता है। इसमें जो पिन आती है इसको हम आगे पीछे करके ही अटैचमेंट को निकालते हैं, वरना हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने इसमें मार्किंग को लिया है उसी शेप में हमें इसमें पेंच को टाइट कर लेना है। दोस्तों दो पेज हमारे लग चुके हैं जो हमने मार्किंग की थी, उसके बाद इस अटैचमेंट को इसमें टाइट कर लेते हैं। टाइट हाथों से इसको इसमें अटैचमेंट को फिट कर लेना है। तो हमारा ये पंप, हमारा पंप भी लग चुका है, थोड़ा मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। दोस्तों पल्ले के अंदर हाइड्रोलिक पंप लगाने का सिर्फ 2 मिनट का खेल है, सारा जो खेल है इसको समझने का है। जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, काफ़ी आसान तरीके से आप भी इस पंप की फिटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने की है। सेम आपको स्टेप को कॉपी करना है और काफ़ी आसानी से आप प्रॉपर और परफेक्ट तरीके से पंप की फिटिंग एक ही टाइम में कर सकते हैं, मात्र 2 मिनट में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वीडियो बिल्कुल लाइव है और मैंने काफ़ी डिटेल के साथ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी को शेयर किया है ताकि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और आप भी हाइड्रोलिक पंप लगाना कुछ ही मिनटों में जान पाए। इसको खोलते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये धीरे धीरे खुल जाता है। दोस्तों यही इसका सही तरीका होता है इसकी फिटिंग करने का, जैसे आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना ताकि सभी कारपेंटर्स भाई तक ये वीडियो पहुंचे, या फिर जो भी लोग हाइड्रोलिक पंप की फिटिंग करना चाहते हैं उनको आइडिया नहीं होता है फिटिंग कैसे की जाती है, तो उन सभी लोगों को एक सही जानकारी मिल पाए हाइड्रोलिक पंप की फिटिंग आसान तरीके से कैसे की जाती है। दोस्तों इस वीडियो से मैं अलविदा लेता हूँ, बहुत जल्द मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड हैं उनको चेक कर सकते हैं, जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। खुदा हाफिज़।